हेलो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर केतन शुक्ला और मैं आ रहा हूँ मुंबई 4 और 5 तारीख को। ये जो इंडिया टूर ओपीडी है, इसमें आपको आने के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी इस वीडियो में। तो बेसिकली इंडिया टूर ओपीडी ये क्यों मैंने प्लान करी, इसका रीज़न क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैं भी एक नॉर्मल मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल था, हॉस्पिटल्स में जॉब करता था। मेरे जो फादर थे वो कोविड में एक्सपायर हो गए। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ही रहा था जब नई जगह पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी अपने शहर कानपुर में, तो मैंने देखा मेडिकल करप्शन बहुत होते हैं, पेन का फ़ायदा उठाया जाता है, ज़बरदस्ती बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन देना और इंजेक्शंस लगवाना स्टेरॉइड्स के, या फिर सीधे बोल देना कि सर्जरी करा लूँ स्पाइन और जॉइंट के केसेस में, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, इन सारे केसेस में जो पेन होता है पेशेंट्स को, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता कि आप जो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसकी रिकवरी कैसे आप ट्रैक करेंगे, कि आप हर दिन कितना बेटर हो रहे हो, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो। तो इंडिया टूर ओपीडी स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें, जहाँ पे मैं काम कर रहा था, मैं देख रहा था कि भाई किस तरीके से पेशेंट्स को मैनिपुलेट करके गलत तरीके से उनका यूज़ करा जा रहा है, इस्तेमाल करा जा रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने एक पॉइंट पे जॉब क्विट करी और मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट करा, क्योंकि मैं हमेशा से ऑनेस्ट था अपने पेशेंट्स के साथ। तो मैं इस तरह के किसी भी करप्शन के जगह पे मैं सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा, उसके बाद फिर मैंने लोगों का इतना प्यार मिला इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, कि मैंने अलग अलग शहरों में अपनी ओपीडी प्लान करना स्टार्ट करा। और अभी तक मैं 8 शहरों में ओपीडी कर चुका हूँ और मुंबई मेरी 9th डेस्टिनेशन है। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको जनरली बेसिकली स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, नी की प्रॉब्लम हो गई है, या किसी को सर्जरी रिकमेंड कर दी गई हो नी की या स्पाइन की, इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अब इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आप मेरे पास आओ या ना आओ, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि शरीर में 3 प्रकार के दर्द होते हैं, मांस का दर्द, हड्डी का दर्द और नस का दर्द। अब मांस और हड्डी के दर्द की पहचान ये है कि कोई भी पेशेंट बोले कि उसके हाथ या पैर पे पेन हो रहा है, आप उसको दबा के देखोगे जोर से, कहीं ना कहीं आपको दबाने पे पेन मिल जाएगा। और अगर दबाने पे पेन नहीं मिल रहा है और पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, मेरे पेन होता तो यहीं पे है बट अभी आपके दबाने से नहीं हो रहा, आप समझ जाइए वो नस का दर्द है, क्योंकि जो नसें होती हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, राइट और लेफ्ट जाती हैं। तो गर्दन की जो नसें हो गई वो कंधों से लेके हाथ में जाएंगी या सर पे जाएंगी, माइग्रेन, सुसाइडल थॉट, सर्वाइकल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फील होना, ऐसा कुछ सब लग सकता है, नींद ना आना। मिडिल बैक की जो नसें होती हैं वो हमारे चेस्ट तक आती हैं, और जो लोअर बैक की नसें होती हैं वो कूल्हे से लेके पैरों तक जाती हैं। तो जब नस दबती है तो उसके दबने से पेन होता है पैरों और हाथों में, और वो पेन जरूरी नहीं कि दबाने पे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के स्पाइन में नस भी दब रही हो, गर्दन पे, मिडिल बैक पे या कमर पे, और साथ ही साथ उसके पैरों और हाथों में भी दबाने पे दर्द हो, तो फिर दोनों जगह काम करना पड़ेगा। बट जब जनरली जब नस दबती है तो हाथों और पैरों पे दबाने पे पेन आप नहीं पाएंगे, हाँ स्पाइन पे दबाने पे आपको मिल जाएगा कि किस लेवल पे उसको दबाने पे दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाना कि ये एरिया है, इसकी वजह से इसके ये वाले हाथ या ये वाले पैर पे पेन आ रहा है, तो हमें उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन कि मांस का दर्द क्या है, हड्डी का दर्द क्या है और नस का दर्द क्या है। तो नस के दर्द की पहचान ये है कि वो दबाने पे आपको नहीं मिलेगा, और मांस और हड्डी का दर्द हमेशा दबाने पे मिल जाएगा लोकल एरिया पे। इन दोनों में भी पहचान के लिए, अगर उसको ऐसे दबाने पे ज़्यादा पेन है तो आप समझ जाइए कि मसल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर डीप दबाने पे ज़्यादा पेन है तो अंदर बोन तक इन्फ्लामेशन आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, नसें इन दोनों के बीच से जाती हैं और वो निकलती स्पाइन से है, ठीक है। अब किसी भी पेन को आपको ख़त्म करना हो, इवन किसी की सर्जरी भी रिकमेंड कर दी गई हो, 80 साल की एज में नी पेन होगी या भाई आपका नी ट्रांसप्लांट होगा, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके नी एकदम डैमेज एक्सरे में चिपके हुए हैं, लेकिन उनको पेन ही नहीं है क्योंकि उनके दबाने पे भी पेन नहीं मिला। तो बेसिकली आप दबाने पे पेन अगर जड़ से अपना ख़त्म कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्फ्लामेशन जड़ से ख़त्म हो चुकी है, फिर आपको पेन हो ही नहीं सकता। तो यही सबसे पहली पहचान है कि जिस भी एरिया में आपको पेन है
वहाँ आप दबाने पे एकदम उसे जड़ से ख़त्म करो। आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेने के बाद 70-80% मान लीजिए आपकी इन्फ्लामेशन चली गई, और आजकल तो ये भी नहीं हो रहा, 40-50% ही जाती है, लोगों को थोड़ा आराम मिलता है फिर मेडिसिन छोड़ देते हैं, और फिर उनके वेट पड़ने से, उनके काम करने से वो इन्फ्लामेशन फिर से बढ़ जाती है 70-80-90%, तो फिर वो पेन करने लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी दबा के चेक ही नहीं करा कि भाई मेडिसिन लेने के बाद वो जड़ से गया कि नहीं गया। तो ये जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा चाहे बॉडी में कहीं भी पेन हो। पहला रिकवरी टेस्ट तो मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको दबाने पर उसको जड़ से ख़त्म करना है, जहाँ पे भी आप वो फाइंड आउट कर पा रहे हो अपनी बॉडी में, स्पाइन में हो, हाथों में हो, पैरों में हो, घुटनों में हो, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या है कि रिकवरी टेस्ट में दूसरा टेस्ट आता है आपका कि जैसे मान लीजिए आपको नी में पेन है या बैक में पेन है, तो आप सुबह सो के उठो और उठने के बाद मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है जिसमें आप क्लिक करोगे तो टाइमर चलने लगेगा 1-2-3 सेकेंड। इसके बाद आपने टाइमर ऑन करा, टाइमर ऑन करने के बाद आपने देखा कि कितने देर चलने के बाद, कितने सेकंड चलने के बाद आपको पेन आ रहा है। मान लीजिए पहले दिन का आपका टाइम निकलता है 1 मिनट या 1.5 मिनट बैक पेन में या नी पेन में जो भी हो, अगले दिन अगर वो टाइम बढ़ा मिला, यानी एक दिन पहले आपका 1 मिनट पर शुरू हुआ, अगले दिन आपका शुरू हुआ 2 मिनट पर, यानी रिकवरी है, इन्फ्लामेशन डाउन गई, आपकी रिकवरी हुई है, और इस रिकवरी होने के लिए आपने चाहे कोई भी ट्रीटमेंट लिया हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तो आप हर ट्रीटमेंट की को जज कर सकते हो इस तरीके से, टाइम टेस्ट से, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले तो उनकी इन्फ्लामेशन देखता हूँ कि बॉडी में कहाँ पे है, कितनी है, मेरे पास मशीन भी है चेक करने के लिए, जिससे वहाँ पे पता चल जाता है कि कितनी इन्फ्लामेशन है स्पाइन में। इसके बाद मैं उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए उसको 4-5 तरीके से ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेक डाउन कर दिया और पेशेंट को मैंने मेडिसिन रिकमेंड कर दी फिजिशियन के थ्रू या किसी डॉक्टर के थ्रू कि भाई ये मेडिसिन आपको लेनी है, एंड देन इसके बाद आपको वो मेडिसिन खानी है, उस पर कुछ चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो उसके बाद आपको करनी है, और अपनी रिकवरी को ट्रैक करना है। इस तरीके से आप चलोगे तो ये आपका जड़ से धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, और हर दिन का टाइम चार्ट आपके पास रहेगा, हर दिन आप अपनी रिकवरी को टेस्ट कर सकते हो। किसी रेयर केस में ऐसा हो रहा है कि उसका टाइम चार्ट एक जगह आके रुक गया है, तो फिर उसको उसी पॉइंट पे जहाँ पे उसको दिक्कत थी वहाँ पे वो बार बार फिजियोथेरेपी कराएगा 2-3-4 दिन मशीन से, मैं भी सब गाइड कर दूंगा आपको, तो वो भी उसका जड़ से चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं अपने कैंप में करता हूँ। मेरा इंडिया टू ओपीडी का मेन पर्पज़ है पेशेंट एजुकेशन, कि पेशेंट को उसकी बीमारी से रिलेटेड एजुकेट करना है पूरा, ताकि वो कभी भी भ्रमित ना हो पाए, सही चीज़ कर पाए, अपनी रिकवरी को ट्रैक कर पाए। मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे ठीक ही हो जाते हैं ये सब करने से, तो मोस्ट वेलकम आपका। ये जो इंडिया टूर ओपीडी है ये बहुत ही सडन प्लान हुआ है मेरा, क्योंकि मेरा 3 तारीख को वहाँ पे एक इंटरव्यू है जिसमें मैं आप लोग के लिए, महाराष्ट्र के लिए ही बहुत सारी उसमें चीज़ें बताऊंगा लोगों की, वो कैसे सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, आप टच में रहोगे तो पेशेंट एजुकेशन अगर हो जाएगा तो कोई भी उसको किसी भी प्रकार के मेडिकल स्कैम में इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, खुद वो अवेयर रहेगा, खुद अपनी रिकवरी ट्रैक कर पाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस कर पाएगा डॉक्टर से कि आपके ट्रीटमेंट से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, आपके पास तो मैं आता हूँ बस आप देखते हो और बस पर्चे में दवाई लिख के भेज देते हो, ना आप छू के देखते हो ना कुछ आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो बेटर भैया कि मैं आपके पास आऊँ ही ना, अपनी बीमारी के जब तक आप डॉक्टर नहीं बनोगे तब तक आपको दुनिया ऐसे ही भ्रमित करती रहेगी। तो आइए सीखिए, इस ओपीडी में सिर्फ 10 अपॉइंटमेंट्स ही रख पा रहा हूँ मैं, बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि 10 ही लोग को मैं देख पाऊँगा क्योंकि टाइम की कमी है, एंड सडन प्लान हुआ मैंने बोला मुंबई वाला, तो सिर्फ 10 लोग हैं, और जनरली मैं किसी भी पेशेंट से ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली मैं उसको वहाँ बुलाता हूँ, जिसको आना होता है जब आना होता है मैं उसको देख लेता हूँ, एक टाइम बता दूंगा आपको, लोकेशन मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, बट मुंबई वाली ओपीडी में मुझे एक फीस रखनी है ताकि आप इस पे एंट्री कर सको, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि ये 10 ही लोग बस आ रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, वहाँ पे अलाउ भी नहीं, जिस जगह पे मैं आ रहा हूँ बहुत क्राउडी रशी रहती है, बट फिर भी जो 10 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट मैं अच्छे से करूँगा, पूरा 1 घंटे ट्रीटमेंट चलेगा जो ट्रीटमेंट लेगा। इसकी चार्जिंग क्या है अगर आप पूछना चाह रहे हो, तो इसमें 1000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेटीएम करने हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, तब मैं आपका नाम रजिस्टर कर लूँगा। ये जो 1000 रुपीज़ है इसमें आपका क्या क्या कवर होगा, पहले तो इसमें कवर होगा जब आप आओगे आपका फुल बॉडी चेकअप, कहाँ पे क्या दिक्कत है, स्पाइन में दिक्कत है कि लोकल एरिया में दिक्कत है। इसके बाद
उसके रिगार्डिंग मेडिसिन। इसके बाद आपको एजुकेट करना कि कैसे इस तरीके इसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। रिकवरी चार्ट आपको बना के देना, ठीक है। मशीन से टेस्ट करना कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, प्रॉपर डायग्नोसिस बना के प्रिस्क्रिप्शन बना के मैं आपको दे दूंगा, और आप मेरे साथ टच में रहोगे 7-8-10 दिनों तक अपने रिकवरी चार्ट के साथ इस 1000 रुपीज़ में। इसके बाद ये सिर्फ कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, चेकअप और प्रिस्क्रिप्शन का चार्ज है, ठीक है, और गाइडेंस का। इसके बाद जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उसके चार्जेस होते हैं 1-3000 रुपीज़। तो अगर मान के चले मैक्सिमम, अगर किसी का सब कुछ भी करना पड़ गया, सारी ट्रीटमेंट्स भी देने पड़ गए जो मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ, तो उसका 4000 मैक्सिमम बजट जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें सब कवर होगा आपका, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, चेकअप, ट्रीटमेंट, ठीक है। सिर्फ 10 अपॉइंटमेंट्स हैं और टाइम बहुत कम है, 4 और 5 तारीख आने ही वाली है कुछ दिनों में। तो रजिस्टर करने के लिए आपका जो भी पेशेंट हो उसका नाम, उसका एज और अमाउंट की रिसिप्ट पेटीएम या गूगल पे मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको लिख लूँगा एंड आपको मैं लोकेशन एड्रेस भेज दूंगा, उस टाइम पे मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे मुंबई में, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 100%। तो इस कैंप में वही लोग आएँ जो काफ़ी टाइम से परेशान हैं, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इवन मैं लोगों को स्पिरिचुअली भी देखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन में बीमारियाँ दो ही वजह से होती हैं, पहला कर्मा और दूसरा नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी के क्या सोल्यूशंस हैं, किससे आप बच सकते हो कि आप रोग दोष से मुक्त हो जाओ, वो मैं आपको बता दूंगा। और अपने कर्मा इम्प्रूव करिए तो आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज रहेगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं लाइफ में, फादर के जाने से लेके बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ, तो आप ज़रूर आएँ सोपीटी पे, मोस्ट वेलकम, एंड मिलता हूँ आपसे जल्दी मुंबई में। नमस्कार।